जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी ही पानी दिखाई देगा। घर डूबे, खेत डूबे, डूबा संसार। आज यही स्थिति कटिहार के मनिहारी प्रखंड की है। मनिहारी प्रखंड लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दंश झेलता है और ग्रामीणों की जिंदगी अपने साथ बहा ले जाता है। बेचारे जब तक संभल पाते हैं तब तक इनका सब कुछ लूट चुका होता है। अब आप मनिहारी प्रखंड की धुरियाही पंचायत को ही ले लीजिए। गंगा ने धुरियाही के सभी वार्डों को जलमग्न कर दिया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गंगा इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से मनिहारी के कई पंचायत दहशत के साए में जी रहे हैं। धुरियाही पंचायत तो पूरी तरीके से बाढ़ में डूब चुका है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुरियाही पंचायत की स्थिति का जायजा लेने जब केबीसी संवाददाता मिट्ठू पहुंचे तो वहां की स्थिति देख वे भी दंग रह गए। इंजन चलित नाव से केबीसी संवाददाता मिट्ठू ने पूरे धुरियाही पंचायत का जायजा लिया। चलिए आपको भी लिए चलते हैं केबीसी संवाददाता मिट्ठू के साथ धुरियाही पंचायत और दिखाते हैं कैसी स्थिति है। निहारी के धुरियाही पंचायत में है। धुरियाही पंचायत में जल के संकट यानी कि यहाँ पे प्रलय आ चुका है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के हैं, बाढ़ग्रस्त इलाका के लोग हैं, और इन लोगों को क्या सरकारी सुविधा मिलना चाहिए, इनकी बात आज इनसे ही हम पूछेंगे और इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि इस संकट के घड़ी में किस हिसाब से आपका जीवन यापन हो रहा है। जी, हम सबसे पहले वैसे महिलाओं से बात करेंगे, इनको दुख क्या है और दुख के समय में किस चीज की जरूरत है, ये हम सारे जानने की प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम बताइए। मेरा नाम शकुंतला देवी है। हम मनिहारी क्षेत्र से आशा हैं और धुरियाही पंचायत का हैं। हमको दवाई चाहिए। सब लोग बीमार अस्त व्यस्त हो गया है। मचान पर कुछ आदमी बैठा है बीमार से, कोई घोलट रहा है, कोई उल्टी पैखाना कर रहा है, कोई पैखाना कर रहा है, इसलिए हमको दवाई चाहिए, यानी मेडिकल की सुविधा, मेडिकल से का सुविधा चाहिए। जी, हमारे साथ यहाँ की महिला थी और महिलाओं का मांग है कि यहाँ सरकारी मेडिकल की सुविधा होना चाहिए, जो लोगों को बीमारी के समय दवाई की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम वैसे लोगों से भी बात करेंगे जो कि यहाँ के बाढ़ग्रस्त इलाके का लोग है, और यहाँ हम जानने के प्रयास करेंगे कि इस दुख के घड़ी में किस तरह की मांग होनी चाहिए और क्या सुविधा मिलना चाहिए। जी जी सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कन्हई कुमार हुआ। अच्छा। मैं धुरियाही पंचायत की अस्थायी निवासी हूँ, जो कि मेरे घर में आज पानी हो चुकी है, जो मेरे जहाँ तक कि मेरे घर में अभी खाना पकाने में बहुत सी सारी दिक्कतें आ रहे हैं, जो हम आज घर से निकल गए हैं बच्चे सबको अपनी नानी के यहाँ छोड़ने के लिए, जो कि यहाँ हमने घर में खाना वाना नहीं बनाता है, किसी तरह सूखा होगा खा के हम लोग रहते हैं। इसी सरकार से हम निवेदन करते हैं कि किसी तरह हम लोग को राशन वशन देने की तैयारी करें। क्या मांग रहेगा राशन के साथ, और कुछ मांग रहेगा क्या? राशन के साथ हम लोग को अनेक सुविधाएं चाहिए सर, जो कि हम लोग हालात से गुजर रहे हैं। हम लोगों का घर पड़ता है धुरियाही पंचायत। हम लोगों को बहुत कठिन समस्या में है, जो कि किसी का घर सूखा नहीं है, सबका घर में चूल्हा में पानी है, सबको कोई चौकी पर कोई मचान पर बैठे हुए हैं और बहुत दुख अनुभव हो रहा है। जी चचा, अभी आप कहाँ से आए? आए हम लोग दिलारपुर से। दिलारपुर से? जी हाँ। किस चीज से आए? आए नाव से। नाव से? जी हाँ। क्या लाने गए थे और क्या जरूरत का सामान आप पूरा करने? खाने पीने के लिए सामान नहीं था, साग सब्जी चूड़ा क्या खाएंगे पानी में हम लोग, इसलिए गए थे वहाँ से लेकर आए हैं। जी। और रहने के लिए हम लोग को बहुत कष्ट है, किस तरह से हम लोग का समय बीतता है वो प्रभु का कृपा है। अच्छा। सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से मांग है हम लोग को राशन चाहिए, चूड़ा चाहिए और सामान चाहिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था चाहिए।
जी, ये मनिहारी का धुरियाई पंचायत है और इस धुरियाई पंचायत में जो है जल संकट का प्रलय है और ऐसे में देखा जाता है कि यहाँ की महिला है या महिला या बुजुर्ग या पुरुष जो भी है उन लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जी, हमारे साथ कुछ महिला है, उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि किस तरह से बच्चे को खाना पीना बनाकर देते हैं। जी प्रणाम सर। जी हम लोग को माल का है, आदमी का सब चीज का दिक्कत है। चूल्हा में पानी हो गया है 5-6 दिन से। जी अब पानी हो गया है तो खाने पीना का बहुत दिक्कत है। 6-7 परिवार है। अच्छा, कैसे अब खाएंगे? तो क्या मांग रहेगा आपका? सब चीज जितना राशन पानी का सामान होता है। अच्छा। चूल्हा का व्यवस्था, सब चीज का व्यवस्था चाहिए हमको। कौन सा पंचायत है ये? धुरियाई पंचायत। कै नंबर वार्ड में? 6 नंबर। बहुत कठिनाई है, हम लोग पानी में फंसते हैं, न राशन मिलता है न पानी मिलता है, कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे? माल मवेशी हम लोग देखते हैं भूखा है, यहाँ सारा डूब गया है सर। हर साल का यही बात है, आज के नहीं, हाँ हर साल बार पीरियड आता है, कोई हम लोग को देख सुन करने वाला नहीं है सर। मांग क्या रहेगा? मांग हम लोग को राशन चाहिए, गाय का राशन चाहिए और मतलब दवा। हाँ मांगने का कारण है सर इसलिए कि मतलब हम लोगों को मतलब बहुत दिक्कत होता है, हेल हेल के भर मुंह पानी भर छाती पानी में हम लोग काम करने जाते हैं, और मशीन वाला नाव चाहिए, क्योंकि मशीन वाला नाव नहीं दीजिएगा तो हम लोग अप डाउन कैसे करेंगे? हम लोगों को कम से कम 6 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है। कोई चीज़ अगर पैसा भी है तो हम लोग सर सब्जी कहाँ से लाएंगे? बाजारे जाना पड़ता है, बाजार से ही लाते हैं, समझे ना? तो ना का हम लोगों को जरूरी है, दवाई का जरूरी है। ममोसी दिखिए सब, ममोसी कैसे आए पानी का कंची में, दिखिए वहाँ खाना कैसे बनाता है। हम लोगों का कोई व्यवस्था नहीं है, रहने का नहीं है व्यवस्था, नहीं खाने का है, नाव पे जा रहे हैं आ रहे हैं, नाव नहीं मिल रहा है, आदमी पब्लिक पूरा परेशान है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, आदमी पूरा बीमारी से परेशान है, रात में कुछ होता है तो आदमी जा नहीं पाते हैं, कहाँ जाएंगे कैसे क्या होंगे? नाव नहीं है हम लोग का समाज में, कैसे 6 नंबर वार्ड में एक भी नाव नहीं है। मशीन वाला नाव चाहिए हम लोगों को, मशीन वाला नाव चाहिए, समझे ना? जो कि अप डाउन करेंगे किधर, अगर ज्यादा पानी हो जाएगा तो बाल बच्चा को चढ़ा के उस पर जल्दी से ना सूखा पकड़ा देंगे। 6 नंबर वार्ड धुरियाई पंचायत में बसे हुए हैं 25 साल से, लेकिन 25 साल का दरमियान में कोई भी नेता है या कोई भी पदाधिकारी है हम लोगों को देखने के लिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसका मतलब है कि हम लोगों का यहाँ देखभाल कुछ नहीं है, हम लोग कहाँ जिएंगे? सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सुविधा चाहिए, सुविधा रहेगा तो हम लोग किसी तरह जी जाएंगे, रह जाएंगे। अगर किसी का सीरियस बीमारी हो जाएगा अभी तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी तरह कैसे हम सुखा से जाएंगे, दूसरे गांव से फोन करके नाव मंगाते हैं, तब तक इधर काम समाप्त हो जाता है। हम लोगों का यहां तो पानी चारों बगल से घेर लिया है, न तो खाना पका सकता है, और सब अलग व्यवस्था में है, वो पानी में हरदम कहाँ जाएगा? नाव का भी सबसे पहले तो नाव की सुविधा नहीं है, बारिश होता है तो बारिश कहाँ रहेंगे हम लोग? बारिश में तिरपाल में कम से कम तो बाहर हवा के लिए तो चाहिए ना, लाइन नहीं रहता है कहाँ जाएगा आदमी। साथ महिला है और महिला से भी बात करेंगे कि जी इन लोगों का मांग क्या है। जी क्या मांग रहेगा सर? राशन मांग रहे हैं सर, हम चूल्हा में पानी हो गया है सर, बच्चे सबको बाहर भगा दिए, माँ को कल बाहर भगा दिए, छोटका बेटा के पास। क्यों भगा दिए? उसकी तबीयत खराब था, पूरे सीरियस था, उसको बाहर भगा दिया, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो इसलिए कहाँ रखेंगे? तो पानी है घर में तो कैसे रखेंगे, उसको भेजा दिए। अच्छा, तत्कालीन सुविधा क्या मिलना चाहिए आप लोगों? राशन, सूखा राशन चाहिए, पोलोथीन चाहिए, पैसा चाहिए, नाव चाहिए। हाँ, नाव भी चाहिए। जी अच्छा, बच्चे को क्यों भगाए आप? पानी का चलते भगाए। अच्छा, घर में पानी हो गया तो कहाँ रखेंगे बच्चे को? इधर भेज दिए बच्चे को? बच्चे को मौसी के पास भेज दिए, वो कटिहार तरफ भेज दिए। जी ये मजबूर एक पति की पत्नी थी जो कि अपने परिवार को भरण पोषण के लिए दिल्ली प्रदेश गए हुए हैं मजदूरी करने के लिए। ऐसे दुख के घड़ी में कटिहार के स्थानीय प्रशासन हो या मनिहारी के स्थानीय प्रशासन को, ऐसे पंचायत में यहाँ पे सुविधा मिलना चाहिए, जो कि यहाँ के लोग मजबूर है, बेबस है, और ऐसे संकट के घड़ी में यहाँ के कुछ समाज सेवी लोग हो या कटिहार के कुछ वैसे जनप्रतिनिधि हो जो कि धुरियाई पंचायत का निरीक्षण कर इन लोगों को सुविधा देना चाहिए। धुरियाई पंचायत में इस तरह का संकट है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से खाना बनाया जा रहा है, और ऐसे में देखा जाता है कि इन लोगों का मजबूरी कितना होगा। हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि बाल बच्चे को किस तरह से खाना पीना बना करके खिला रही है,
और इनसे जानने की प्रयास करेंगे कि कैसे इस बार के समय में कैसे चूल्हा जलाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि ऐसे पंचायत में ध्यान देकर इन लोगों को सुविधा दिया जाए। जी क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? हाँ, मीरा देवी। मीरा देवी जी, क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं। अच्छा, बहुत तकलीफ हो हम लोग का है, पानी में रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, राशन पानी कुछ नहीं मिलता है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, हम लोग को चाहिए राशन पानी ला वगैरह कुछ नहीं आए, बहुत बड़ बेरंगी में बहुत दिक्कत होता है हम लोग का। पैसा भी मिलना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए हम लोग का। अच्छा, बहुत दिक्कत है, पानी में बहुत दिक्कत खेप रहे हैं बहुत दिन से कम 10 दिन हो गया। अच्छा, हम लोग का नहीं खाना मिल रहा है, नहीं गैस मिल रहा है। जी देख सकते हैं कि ये जो है बड़ा संकट से खाना बना रही है, अगर खाना नहीं बनाएगी तो बच्चे को खिलाएगी क्या? अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पंचायत में लोगों को अब तक क्यों सुविधा नहीं दी गई है। जी हमारे साथ कुछ महिला है और उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि लोगों को या बच्चे को अपने घर वालों को कैसे खाना पीना बना के दे रहे हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। कल्पना कुमारी जी, कैसे इस संकट के दुख के घड़ी में कैसे? यहाँ पे हर साल बारिश अति पानी होता है, अभी 10-12-15 दिन से पानी है यहाँ पे। हम लोग इसी तरह से खाना बनाते हैं, राशन सूखा नहीं मिलता है, मतलब हर चीज का बहुत तकलीफ होता है, जाने आने का कोई मतलब, जैसे कि कोई तकलीफ हो गया बच्चे को बड़े को, कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता है, जैसे रात में कुछ हो गया, दिन में हो गया, मतलब बहुत तरह का, गाय बकरी है, माल है, आदमी है, बच्चा है, बहुत रहने का, खाने पीने का, इधर उधर का बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, बहुत। खाने पीने का नहीं है, पानी में डूब रहे हैं बच्चा, अच्छा कैसे रहेंगे, खाएंगे कैसे? सरकार के तरफ से मिलना चाहिए राशन पानी, तभी तो रहेंगे खाएंगे, पनीत मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्या अभी कुछ मिला है? नहीं कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। जी आप देख सकते हैं कि ऐसे चारों तरफ बाढ़ का पानी से घिरे हुए घर है, एक ऊंचा स्थान है, हो सकता है कि पानी में बढ़ोतरी अगर हो जाए तो ये चूल्हा जलाने के लायक भी जमीन नहीं रहेगा। आप ऐसे में देखा जाता है कि इस घर में अगर यदि ऊंचे स्थल पर मिले तो खाना बन सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी अभी हम अब ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो कि पंचायत का देख रेख के साथ साथ लोगों को हर सुविधा दिलाने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। चलिए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पंचायत के लोग है कौन। जनता से आपने जनताओं को क्या सुविधा दिलाया अब तक? सर हम अपने अथक प्रयास तक कोशिश कर रहे हैं कि समाज को जो अभी असुविधाएं हैं, बाढ़ में जो ग्रसित लोग हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे इंसान हो, या बच्चे हो, या बुजुर्ग हो, हम अभी तक में जो है कि अनुमंडल से लेकर के अंचल से लेकर के डीएम साहब तक हम अपना प्रतिवेदन भेज चुके हैं। और उस प्रतिवेदन के साथ में जो विश्व सूत्री बैठक में जो है कि डीएम साहब सब की बैठक हो रही थी, तो उस बैठक में भी हम जो है कि अशोक अग्रवाल साहब के पास भी हम अपना गुहार लगा चुके हैं, डीएम साहब के पास भी गुहार लगा चुके हैं, लिखित दिए हुए हैं, और जहाँ तक प्रयास हो सके हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि समाज के लोग को सुविधा चाहिए। और उस सुविधा के अनुकूल में अभी तक हमको मात्र 2 गो नाव मिला है जो मशीन युक्त है, जो कि 2 नाव में ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे पंचायत का लगभग क्षेत्रफल 8 किलोमीटर के दायरे में है, और ये 8 किलोमीटर के दायरे में 6 वार्ड के पंचायत है, हर वार्ड अलग अलग से बिलोंग कर रहा है, जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में है। तो हमने मांग किया था कि कम से कम हमको मशीन युक्त नाव जो है कि कम से कम 6 गो चाहिए, ताकि हर वार्ड को हम एक एक नाव दे सके, ताकि बाढ़ के समय में ऐसी स्थिति हो जाती है सर कि चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग हो, और सबसे परेशानी यहाँ पे क्या है कि वो रात काल में जो सांप वगैरह सबका जो दिक्कतें आती है, वो लोग भी सूखा पकड़ने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे हमारे माँ बुजुर्ग लोग हैं कि कहीं सड़क पर सोती है, कहीं पर जो है कि खाट लगा के सोती है, वहाँ पर इस तरह का घटनाएं हमको बराबर पंचायत में होती है, जिसकी सुविधा हम नहीं दे पाते हैं, मेडिकल तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, जिसमें कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए सरकार से गुहार लगाते कि मशीन उतना रहने से होता है कि थोड़ा जल्दीबाजी में हम उसका सुविधा उपलब्ध करा सकें। इससे तत्कालिक में हमको प्लास्टिक चाहिए, वो तो भगवान का शुक्र है कि मौसम ठीक है तो किसी तरह से चल रहा है, अगर रात में बारिश हो जाए तो ये लोग का अभी रहने का जगह नहीं है। हम चाह रहे हैं कि कम से कम प्लास्टिक हर घर को मिल जाए, उनकी सुविधा चाहिए,
पहले सूखा राशन मिलने से क्या हो जाएगा कि लोग खाना नहीं पका पा रहे हैं, तो कम से कम बच्चे अपने बूढ़े जो भी घर के सदस्य लोग हैं कुछ ना कुछ खा पी करके सूखी रुखी खा करके कम से कम अपना जीवन यापन समय काट सकते हैं। ये हमारी सरकार से मांग है और डीएम साहब से भी मांग है और डीएम साहब तक भी हम गुहार लगा चुके हैं। जिया राशि की भी मांग है क्या? जिया राशि सर सूखी राशन के साथ साथ में जो सरकार की सुविधा अनेक साल मिलती है तो उस हिसाब से जो है कि जिया राशि चाहिए, मिलना चाहिए। जी हमारे साथ इस आपदा के घड़ी में पंचायत के मुखिया राजकुमार मंडल जुड़े हुए थे और हमारे इस पंचायत के पंचायत समिति हरदेव मंडल जी हैं, उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि अब तक पंचायत के लोगों को आप लोगों के द्वारा क्या सुविधा दिलाई गई है। जी अब तक क्या सुविधा मिली है? जी हमारे पंचायत 6 वार्ड है, 6 वार्ड में भी पानी सारे वार्ड में पानी हो चुकी है। हम लोग मीटिंग में सीओ मैडम को बोले थे, हमारे पंचायत जो है नीचे स्तर के पंचायत है वहाँ हर साल जो है पानी ही घुस जाती है, तो सीओ मैडम जो है 2 ही नाव अभी तक दी हुई है और हम सीओ साहब से यही निवेदन करेंगे कि हमारे 6 वार्ड है, 6 वार्ड 6 नाव चाहिए, हर एक वार्ड में 1 नाव, ताकि कभी भी बीमारी की स्थिति हो जाए बन सकती है, यहाँ ना विशेष परिस्थिति बन सके, ना यहाँ मेडिकल की सुविधा है, ना रहने की सुविधा है और ना पशु चारा की व्यवस्था है। जो भी किसान लोग घास बुने थे वो भी डूब गई है, इसके लिए सूखा पशु आहार चाहिए और सूखा राशन चाहिए और जिया राशि जो रिलीफ मिलती है हर एक साल वो हम डीएम सर से आदेश करते हैं कि देने का क्यों ठीक रहे। जी हमारे साथ पंचायत के समिति जुड़े हुए थे और ऐसे विशेष परिस्थिति में स्थानीय प्रशासन से इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को जो जरूरत लायक सुविधा है तुरंत मुहैया कराया जाए। मैं मिट्ठू के विशेष न्यूज कटिहार।